संसद सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने संसद में कहा कि कांग्रेस के डीएनए में किसान विरोध है। कांग्रेस की प्राथमिकताएं प्रारंभ से ही गलत रही। जवाहरलाल नेहरू 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और तब देश को अमेरिका से आया सड़ा हुआ लाल गेहूं खाने को विवश होना पड़ता था। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के हमलों पर जवाब देते हुए कहा, अनीति और अधर्म किसने किया, ठगी किसने की, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। यह आज से ही नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूं। वह रूस गए और एक मॉडल देकर आए और कहा कि यह भारत में लागू करो। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि यह भारत में लागू नहीं हो सकता क्योंकि यहां की कृषि की परिस्थितियां अलग है। 17 वर्ष तक उन्होंने पीएम पद को सुशोभित किया, तब क्या होता था, अमेरिका से पीएल 480 सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने के लिए विवश होना पड़ा। इंदिरा गांधी के कार्यक्रम का भी जिक्र किया। कृषि मंत्री ने कहा, इंदिरा जी के समय मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूल का काम होता था, अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल देकर जाओ। विंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था, भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ था। किसानों के साथ ठगी करती है कांग्रेस। शिवराज कर्ज के मुद्दे पर भी शिवराज ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कर्ज की बात हो रही थी, अपने घोषणा पत्रों में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य में अनेकों बार कहा, जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान सभाओं में इनके नेता गिनती गिनते थे, 2 लाख के कर्ज 10 दिन के अंदर माफ हो जाएंगे। 10 दिन में कर्जा माफ हुआ तो 11वें दिन सीएम हटा दिया जाएगा। लोगों ने एक बार जिता दिया, 10 दिन हो गए, 1 महीने हो गया, 1 साल हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ तो कांग्रेस की सरकार ही चली गई। दोबारा सरकारें लौट कर नहीं आई क्योंकि ठगी और छल किसानों के साथ कांग्रेस करती है।